जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं पुणे में, आपको एक बार दिखाना चाहूंगा जिस तरीके की तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल को बर्खास्त करोगे, नारेबाजी हो रही है काफ़ी समय से, यह धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और यहाँ का जो कॉलेज है वो भी बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर धरना जारी है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति और तमाम सामाजिक संगठन के यहाँ पर लोग हैं और कॉलेज बंद हो चुका है, उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन जारी है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई, अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया, उससे संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है उसकी जबानी उनसे जानेंगे सीधा। क्या नाम हुआ सबसे पहले एक बार परिचय दीजिए मुझे। मेरा नाम मदन सिंह राघव है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिलाध्यक्ष हूँ। कॉलेज बंद हो चुका है उसके बावजूद भी आप नारेबाजी? हमारा कॉलेज बंद हो जाए हमको कोई वो नहीं है, हमारा धरना चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा, दिनों रात धरने पर यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पर अधिकारी आए, DIO साहब आए, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है हमको। हमको जब तक प्रिंसिपल बर्खास्त नहीं होगा तब तक हम यहीं पर धरना देंगे, यहीं रहेंगे। और आज तो कोई बात नहीं, धरना दिया, कल स्कूल का ताला बंद करेंगे, प्रिंसिपल को अंदर बंद करेंगे इसमें। अच्छा, प्रिंसिपल का क्या नाम है एक बार मुझे बता दीजिए आप। WN मिडिल। अच्छा, WN मिडिल। WN मिडिल। तो आपका धरना बिल्कुल जारी है। देखिए, हमारा धरना जब तक हमें कोई संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिलेगा, कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी प्रिंसिपल के ऊपर, तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता है। DIO साहब आए, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? कोई संतोषजनक उन्होंने कार्रवाई का हमें आश्वासन नहीं दिया, हम उनसे असंतुष्ट हैं। तो इस तरीके से आप संतुष्ट जवाब नहीं मिला उसके बावजूद भी आप इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये जारी रहेगा या फिर और कुछ? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक कोई हमें ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है, कोई उच्च अधिकारी आके हमसे ये नहीं कहता है कि हम इस बेईमान प्रिंसिपल, भ्रष्ट प्रिंसिपल के खिलाफ उनकी कार्रवाई करेंगे, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। बताइए क्या नाम है? प्रमोद लवानिया। और आपने भैया धरने का मतलब, अनिश्चितकालीन धरने का मतलब ये होता है जो हमारी मांग है या तो वो मानी जाएगी। अच्छा, मांग नहीं मानी जाएगी तो धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। नहीं मानी है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, और ये अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देंगे तो जिले के और अधिकारी बैठे हैं वो आएंगे, जो अधिकारी संतोषजनक जवाब देगा जब जाके धरना कहीं होगा। आज हम 10 बैठे, कल 100 होंगे, दिन रोज बढ़ती जाएगी। आगे महापंचायत चलाएंगे। आपकी मुख्य मांग यह है यहाँ के जो प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य हैं उनको बर्खास्त? बिल्कुल बर्खास्त तो नहीं होंगे, तब तक धरना चलता रहेगा अनिश्चितकालीन। जिद पे अड़े होंगे, जब तक बर्खास्त की नहीं तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं, बिल्कुल यही चलता रहेगा। ये हमारा धरना आज पहला दिन है, जारी है और अनिश्चितकालीन रहेगा। DISO की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, और हो सकता है कि आगे हमें अपनी रणनीति बनाएंगे हम, आगे हमें कल के लिए क्या करना है, परसों के लिए क्या करना है, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा धरना और आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरें, फिर से एक बार इन तस्वीरों को आपसे रूबरू करा दूं, एक बार इन तस्वीरों को दिखा दूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज करहारी मथुरा की ये तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर लोग रुके हुए हैं। काफ़ी समय हो गया सुबह से लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, स्कूल बंद हो गया। एक बार मैं अपने सहयोगियों को एक बार ताला दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर विद्यालय बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासनिक अधिकारी भी आए, उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है तब तक प्रिंसिपल के बर्खास्त की नहीं तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बर्खास्त हो जाए, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए, उनकी एक मुख्य मांग है, जो कि प्रधानाध्यापक ने आरोप लगाया किस तरीके से उनकी जो कार्यशैली है वो उससे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो छात्रों के जो अभिभावक छात्राओं के अभिभावक हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। तब तक प्रिंसिपल की बर्खास्त की नहीं तब तक यहाँ का धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ये तस्वीर एक बार और दिखाऊँ, किस तरीके से यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना और स्वर संगठन, तमाम ऐसे सामाजिक संगठनों के यहाँ पर लोग थे जो कि धरना प्रदर्शन का अभी भी जारी है। उनका कहना है आज तो जो है प्रशासनिक अधिकारी आए उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर ताला बंद करने का भी उन्होंने ऐलान किया है, अगर उनकी मांग नहीं मानेंगे तो यहाँ पर ताला भी बाद है। वो इस तरह से हो नहीं पाता है कि उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली अगर आज जमा नहीं करेंगे तो कल हमारा फिर साल बर्बाद हो जाएगा। तो टीचर जो है एक सामान्यतया जो है उनको थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव देते हैं कि आज हो जाए, जल्दी हो जाए, किसी कीमत पर आज जमा कर लो। तो उन्होंने बच्चे को फ़ोन किया, गलती से एक नाम की दो लड़कियां थीं, जिस लड़की की फीस जमा थी उसके गार्जियन को फ़ोन कर दिया। एक ही नाम की, उमा नाम की दो लड़कियाँ हैं, एक
लड़की जिसकी फीस जमा थी और एक की नहीं जमा थी, गलती से जिस बच्चे के फीस जमा थी उसके गार्जियन को फ़ोन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि गार्जियन जिसने फीस जमा किया है उसको लगा कि हमने फीस भी जमा किया है और हमको कह रहे हैं कि फीस नहीं जमा है, तो इसलिए वो तैश में आ गए। बस बात इतनी सी है। और सर यहाँ और भी मुद्दे निकल के आए हैं, कह रहा कहा जा रहा है बच्चों से सफाई की जाती है, लैट्रिन, यहाँ तक कि लैट्रिन की सफाई कराई जाती है बच्चों को। अब यहाँ जो है बच्चे, यहाँ कोई फोर्थ क्लास नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, बच्चों को ये सब चीज़ें आजकल हम सिखाते हैं स्कूल में कि बच्चे अपने सहयोग से सब चीज़ें खुद करते हैं, सफाई करते हैं। झूठे बर्तन मंजवाने तक की बात बच्चों ने बताई है। सफाई, अब सफाई में ये सब भी आता है, ठीक है। अब बच्चे अगर कोई, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है जिसको कि मतलब इतना बड़ा कोई काम हो गया। जब हम किसी के निगेटिव पॉइंट खोजते हैं तो हम ये सब चीज़ें निकालते हैं कि ये भी हो गया। सर इस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी रसीद, छात्रा की रसीद जो है दिखा दी गई प्रिंसिपल साहब को, उसके बावजूद भी उन्होंने अभद्रता की, इसको लेकर क्या कहोगे आप? ये तो आपको बता दिया गया ना कि किसी, देखिए ऐसा है कि रसीद पर सबके नंबर नहीं लिखे हुए हैं, 156 बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, बच्चे के गार्जियन का नंबर कहीं और लिखा हुआ है। अब उन्होंने, प्रिंसिपल ने पूछा कि इस कक्षा में उमा का जो है नंबर बताओ, जो जिसके फीस नहीं जमा है। उमा नाम की दो लड़कियां थी, गलती से जिस उमा की फीस जमा थी उसके घर पे फोन हो गया, ठीक है। तो वो गार्जियन को तैस आया कि हमारी फीस जमा है, भाई आप पे कोई गलत आरोप, मैंने एक तरह से हम कह रहे हैं कि आप फीस नहीं जमा किए हैं, डिफाल्टर हैं, जबकि आप जमा किए हैं, तो उनको गुस्सा आया। ये बात इतनी सी है। अब यहाँ किसान यूनियन के लोग, शक्ति के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, अभिभावक धरना दे रहे हैं, क्या आपने आश्वासन इन्हें दिया है? देखिए ऐसा है, ये इनका प्रिंसिपल के बारे में शिकायतें हैं कि प्रिंसिपल जो है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग, चूँकि हमारे यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक को अधिकार नहीं है प्रधानाचार्य को हटाना या टीचर को भी ट्रांसफ़र करने का नहीं, लेकिन संबद्धता वगैरह कर दी जाती है कोई विशेष परिस्थितियों में, तो वो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं भी नहीं, वो यहाँ पर नहीं हैं, उनका कार्यरत दूसरे विद्यालय पर हैं। पहले जब ये विद्यालय खोले गए थे तो शासन ने निर्णय लिया था कि जो टीचर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उन्हीं टीचर्स को संबद्ध करके इसको पहले संचालित कराया गया, तो ये तब से ये संचालित कर रहे थे विद्यालय। अब अगर लोगों को ऐसा लगता है कि असंतुष्ट हैं तो उनको दूसरी जगह कर दिया जाएगा। सर ये पहले ऑलरेडी जो बिहावली पे हाँ, तो आपका आश्वासन है कि इनको यहाँ से दूसरे के ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ट्रांसफर क्या, ये ऑलरेडी, ये तो संबद्धता के नाते यहाँ पे ये विद्यालय चला रहे थे अब तक, इनकी ये कार्यरत दूसरे विद्यालय थे। जी जी ठीक है। सर दूसरा मुद्दा ये है कि आप यहाँ पहली बार, शायद पहली बार आए होंगे विद्यालय में, इस विद्यालय की आपने जो भी कंडीशन है वो देखी होगी, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ ग्रामीण भी खड़े हैं और मेरी न्यूज के माध्यम से आप जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि क्या आप जिला जो जिला बेसिक ऐसा है, मैं जिला विद्यालय निरीक्षक, मैंने तो जनता, ये विद्यालय जनता की सेवा के लिए है, ये जनता नहीं, यहाँ की जो कंडीशन है उसमें ये लोग भी शामिल हैं। इतनी बड़ी यूनियन हमारी है, इतने बड़े लोग, ये सब लोग जुटे हुए, इसी गांव के सम्मानित नागरिक हैं और पदाधिकारी भी हैं, एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी लोग हैं, ये इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग सब लोग सहयोग करिए इसकी इसकी। देखिए आज हम केवल ये पूरी व्यवस्था को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हम जिनके लिए सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था है, तो हमारे जो प्राइवेट लोग हैं, जो लोग इस गांव के हैं जिनके लिए हम स्कूल खोले हैं, वो लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, जन सहयोग करें, अच्छा रास्ता बना दें आने जाने की करें। वही हमें यही चाह रहा था, मतलब आपके माध्यम से शासन को नहीं, हम लोग हम नहीं, हमारे माध्यम से तो हम लोगों ने जितने हमारे विद्यालय हैं जहाँ चार दीवारी नहीं है उसके लिए हम लोग इसका जो है बना चुके हैं, और हम लोग शासन के स्तर पर और जिले स्तर पर भी जो फंड्स उपलब्ध हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से, इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका जो है इसकी नाप जोख कर करके इसका एक बजट बना दिया गया है और डिमांड की जा रही है कि चार दीवारी हो जाए, इसमें मिट्टी डलवाई जाए, इसमें कुछ पेड़ पौधे लगाए जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जीते हमारे साथ।